नमस्कार दोस्तों, जियो की वजह से सबके पास बहुत सारा डेटा आ गया है और उस डेटा से हम क्या करते हैं, हम बहुत सारा वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं। और अगर आपको बहुत सारा वीडियो स्ट्रीमिंग करना है और वो भी बड़े स्क्रीन टीवी स्क्रीन पर, तो आपको क्रोमकास्ट जैसे डिवाइस की ज़रूरत है। और क्रोमकास्ट जैसे ही अभी एक नया अमेज़ॉन ने लॉन्च किया है जिसका नाम है फायर टीवी स्टिक। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा आपने क्रोमकास्ट लेना चाहिए या आपने फायर टीवी स्टिक लेना चाहिए। मेरा नाम है अरुण प्रभु देसाई, आप देख रहे हैं ट्रैक इन टेक। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे याद से क्लिक कीजिएगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि क्रोमकास्ट और अमेजॉन फायर टीवी स्टिक दोनों सेम है तो आप गलत हैं, ये थोड़े अलग अलग हैं। फायर टीवी स्टिक ये एंड्रॉयड बेस्ड है जो आपको टीवी के HDMI पोर्ट को लगता है और उसके अंदर स्टोरेज है। तो बेसिकली जैसे आपके फ़ोन पे ऐप्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वैसे ही अमेज़न फायर टीवी स्टिक पे भी आप ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं जो चाहिए वो। तो आप जो भी चाहिए, हुलू, स्पॉटिफाई, अमेज़न प्राइम, यूट्यूब, जो भी ऐप्स चाहिए वो आप इंस्टॉल करके आप आपके बड़े टीवी पे वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। क्रोमकास्ट बेसिकली जो आपके स्मार्टफोन पे ऐप्स इंस्टॉल्ड है उसके ऊपर जो वीडियोज़ हैं, पिक्चर्स हैं, ऑडियो है, वो आप बड़े टीवी पे कास्ट कर सकते हैं अगर क्रोमकास्ट आपके टीवी को लगाया हुआ है तो। तो दोस्तों, आपने क्या लेना चाहिए? अमेज़न फायर टीवी स्टिक 4000 रुपये का आता है, वो 3999 का लॉन्च किया है अमेज़न ने। और क्रोमकास्ट कम से कम 30-35% चीपर है, 2500-3000 में क्रोमकास्ट आता है। लेकिन अमेज़न फायर टीवी स्टिक के एडवांटेजेस भी है, जैसे मैंने आपको कहा कि उसके ऊपर स्टोरेज है, आप ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको इसेंशियली स्मार्टफोन की ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधा अगर इंटरनेट से फायर टीवी स्टिक कनेक्टेड है तो सीधा आप आपके रिमोट के साथ, जो वॉइस अनेबल्ड है, अमेज़न का जो फायर टीवी स्टिक है वो वॉइस अनेबल्ड है, तो आप सिर्फ कह सकते हैं कि कपिल शर्मा का एपिसोड नंबर 3 चालू कीजिए। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा, आप सीधा ऐसा बोलेंगे तो चालू नहीं होगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप बोलेंगे तो फायर टीवी स्टिक सर्च करके आपके बड़े स्क्रीन पे वो दिखा सकेगा। अमेज़न फायर टीवी स्टिक का एक बड़ा एडवांटेज भी है, अमेज़न प्राइम वीडियोज़ जो है वो आप आराम से बड़े स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं एक क्रोमकास्ट यूज़र हूँ और अमेज़न प्राइम यूज़र भी हूँ, मैं बड़े स्क्रीन पे अमेज़न प्राइम देख नहीं सकता हूँ क्योंकि अमेज़न प्राइम क्रोमकास्ट को सपोर्ट नहीं करता है। सो बेसिकली क्रोमकास्ट को सपोर्ट करने वाले ऐप्स ही सिर्फ आप बड़े टीवी पे देख सकते हैं और अमेज़न प्राइम फायर टीवी स्टिक के साथ ऐसा कुछ नहीं है। आप जो ऐप चाहिए वो इंस्टॉल कीजिए और देखना चालू कीजिए। दोस्तों, इसका मतलब अमेज़न फायर टीवी स्टिक महंगी है लेकिन उसके एडवांटेजेस भी हैं। क्रोमकास्ट का भी एक एडवांटेज है, अगर आप YouTube बहुत ज़्यादा देखते हैं तो क्रोमकास्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। आपका अगर डेटा स्पीड लो भी रहेगा तो भी आप बहुत अच्छी तरह से बड़े स्क्रीन पे आप वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। तो क्विकली ये था दोनों का डिफरेंस। आप डिसाइड कि अगर सिर्फ आपको आपके स्मार्टफोन के ऐप्स से वीडियो स्ट्रीमिंग या फोटो या ऑडियो देखना है तो क्रोमकास्ट बहुत अच्छा है, सस्ता भी है। लेकिन अगर आपको ऐप्स इंस्टॉल करने हैं, बहुत सारे हिंदी हॉलीवुड शोज़ देखने हैं जिसके ऐप्स गूगल स्टोर पे हैं, तो आप अमेज़न फायर टीवी स्टिक के साथ जाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमेज़न फायर स्टिक अभी अमेज़न पे लॉन्च हो गया है और अवेलेबल है, मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ, अगर आपको ख़रीदना है आप वो लिंक क्लिक कीजिए, वो अफिलिएट लिंक है। और अगर आपको कोई भी सवाल है इसके बारे में तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं जितना हो सके आपको उन सवालों के जवाब ज़रूर दूंगा। मेरा नाम है अरुण प्रभु देसाई, अगले टाइम तक के लिए सी या।